गुड इवनिंग ऑल, आई एम यूनुस फ्रॉम मेरठ यूपी। जब मैंने बैगलेस के बारे में सुना पहली बार और मैंने कुछ वीडियोस देखे बैगलेस के बारे में, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये भी उसी तरह की कोई कंपनी होगी कि आती है और कुछ थोड़ा बहुत सिखा के और कुछ पैसे लेंगे और फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे बैगलेस के बारे में, वो क्वेश्चन मैंने कुछ फ़ोन पर रेक्टिफाई किए, अपने कुछ क्वेश्चन पुट अप किए, उनका मुझे आंसर मिला। और यहाँ आने से पहले मैं शायद मेरे मन में कुछ निगेटिविटी रही होगी कि भाई ये क्या है कंपनी और कैसे है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पहले दिन से ही, फर्स्ट डे से ही, जो बैगलेस का माहौल मिला मुझे, जो रिसेप्शन से लेके और जो टॉप क्लास लेवल के ऑफिसर्स हैं यहाँ पर, सबके मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जैसे कि प्रीति हैं और नरेंद्र जी हैं और आपका नवीन जी हैं, तो इनको मैंने देखा, इनका बिहेवियर देखा। तो बेसिकली एक जो कंपनी होती है, तो कंपनी में कुछ एक माहौल होता है, तो कुछ कंपनी में ऐसा माहौल होता है कि भाई ठीक है, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है चीज़ों को या कस्टमर को समझ नहीं पा रहा है। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आके देखा कि तो आपका स्टाफ जो है बहुत बैगलेस का बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, और जो भी मुझे क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे उनका सबका आंसर मुझे मिला। और दूसरी चीज, जिस मोटो से हम यहाँ पे आए थे कि मेमोरी से रिलेटेड कुछ चीजें सीखने के लिए, या क्या साइंस है ये, क्या मैजिक है ये, क्या चीज है ये। शकुंतला देवी के बारे में हमने सुना कि एक बिल्कुल ही मतलब कंप्यूटर है, वो सारी की सारी चीजें जो भी मतलब नंबर लिखे होते हैं तो उनको वो बता देती है तुरंत। तो इसके पीछे की साइंस में जानना चाह रहा था। अब वो साइंस के बारे में मुझे ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि ये शायद कुछ मैजिक है, बट जब मैंने देखा यहाँ पर आकर नवीन जी की क्लास लेके, तो उसमें मुझे ऐसा लगा नहीं, मैजिक नहीं है, दिस इज साइंस, बेसिकली दिस इज टेक्निक। और जिस टेक्निक की हमें जरूरत है सब लोगों के लिए, मतलब उसमें आपका स्टूडेंट भी आ जाते हैं, उसमें आपके कंपनी के एम्प्लॉय भी आ जाते हैं, उसमें मतलब अगर कोई बिजनेस चला रहा है वो भी आ जाते हैं, क्योंकि मेमोराइज करना चीजों को बेहद जरूरी है। आप बार बार चीजों को मतलब रिकॉल, आप पढ़ नहीं सकते बार बार चीजें, तो उनको रिकॉल करना बेहद जरूरी है। वो रिकॉल करने की जो टेक्निक नवीन जी ने बताई तो बहुत ही इफेक्टिव है, और अभी भी हम, मेरा ख्याल है 5% ही आई थिंक उन्होंने हमें बताया होगा, और अगर इसको हम पूरा 100% लेके चले तो हम भी एक कंसल्टेंट या एक मेमोरी गुरु बन के काम कर सकते हैं। तो जैसे स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूँगा, नवीन जी ने ही बताया था स्टूडेंट के लिए कि चार चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं, तीन चीज़ों पर हम फोकस करते हैं, रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग, राइट। लेकिन चौथी चीज़ को हम मतलब भूल जाते हैं, रिकॉल करना बेसिकली, क्योंकि किसी भी चीज को आपने पढ़ लिया, अंडरस्टैंडिंग कर लिया, अगर रिकॉल नहीं कर सकते हैं उस चीज को, तो उसमें क्या होगा, वो जो आपकी नॉलेज है बेसिकली वो नॉलेज भी बेकार है अगर हम रिकॉल नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते चीजों को। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर मैं रिकॉल नहीं कर सकता चीजों को तो मैं यहाँ पे मतलब कुछ नहीं बता पाऊँ। स्टूडेंट के लिए बेसिकली बहुत अच्छी चीज है, और जहाँ पे स्टूडेंट फंस जाता है वो रट्टा लगाता है। रट्टा लगाने का मतलब ये हुआ कि ठीक है, मतलब वो एक कंप्यूटर में जैसे एक तरीके से दो मेमोरी होती है, रोम होती है, रैम होती है, रट्टा लगाया रैम में पहुंची, वो रोम में नहीं पहुंची तो वो शो हो जाती है। तो रोम में डालना जरूरी है रट्टे के लिए, लेकिन अब वो रोम में डालने के लिए हमें कितने एफर्ट करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा। अब उसी को नवीन जी ने एक टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर कर दिया है, टेक्नोलॉजी लगाइए और रिकॉल कीजिए, टेक्नोलॉजी लगाइए और रिकॉल कीजिए। और इसमें हम क्या करेंगे, एक हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक हम लोग यहाँ पर जो आए हैं सब बिजनेस पॉइंट माइंड में लेकर आए कि भाई ठीक है बिजनेस करेंगे, लेकिन आई थिंक यहाँ से जब आप जाएंगे तो एक टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे कि हाँ हर चीज में एक टेक्नोलॉजी लगती है, और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, विदाउट टेक्नोलॉजी आप सक्सेसफुल किसी भी फील्ड में नहीं हो सकते, भले स्टूडेंट हो, व्यापारी हो या कोई भी हो। अब स्टूडेंट इस वाली टेक्नोलॉजी को यूज करके चीजों को रटना नहीं मारेगा, रिकॉल करेगा
उस चीज को जो भी टेक्निक उन्होंने बताई है वो मैं टेक्निक को यहाँ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। अभी मैंने जैसे बताया 5% सीख चुका हूँ, ठीक है, 95% अभी मुझे बैकलेस से सीखना है। तो ये तो रहा सारा मतलब जो रवीन जी ने हमें सिखाया। अच्छा, मैं एक मेरठ से हूँ और एक मैं छोटा सा विजन लेके आया था। मैंने कहा ठीक है बैकलेस से जुड़ के देखते हैं, एक छोटा सा विजन था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और मैंने एक बैकलेस का माहौल देखा, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट तो दो तरीके का है, आपका एक मनी इन्वेस्टमेंट हो गया और एक टाइम इन्वेस्टमेंट, है ना, दोनों चीजें बेहद जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है मनी को इन्वेस्ट किया टाइम को नहीं देखा, टाइम भले ही आप उसमें, टाइम हमारा बहुत है इंडिया के पास, जो इंडियन हम लोग सिटीजन है उनके पास टाइम बहुत ज्यादा है, मतलब किसी भी चीज में कितना ही टाइम दिलवा लीजिए कोई उसको आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर 10 रुपए निकालने पड़ते हैं तो उसको मतलब देखता है कि 10 रुपए नहीं जाने चाहिए जेब में से। लेकिन जो ऊपर वाले ने हमें चीजें दी है ना, जो मॉर्निंग में देता है, ये 24 आवर देता है, 24 आवर का जो टाइम है उसको हम सोचते हैं ये फ्री में मिला हुआ है और इसको हम ठीक है वेस्ट कर लें, कैसे यूज कर लें, नहीं करें, है ना। तो जब मैं यहाँ पर आया तो एक छोटा सा विजन लेके आया था और छोटे से विजन में मैंने छोटे विजन को थोड़ा फिर मैंने बड़ा किया कि ठीक है। क्यों बड़ा किया, क्योंकि बैगलेस का जो टीम है बेसिकली अभी इतनी बड़ी भी नहीं है, छोटी टीम है, बहुत सपोर्टिव है। एक पूरा कंपनी का माहौल जो मुझे नजर आया, जो एक कंपनी की तरफ से कुछ हो सकता है, जैसे आपका बूफे अरेंज किया इन्होंने, आने जाने का अरेंज किया सारा कुछ, है ना, सपोर्टिव नेचर और काफी कुछ, मतलब मैंने देखा एक कंपनी का पूरा माहौल है। मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया है, नोएडा में काम किया है मैंने, तो इससे भी शायद बड़ी कंपनी होगी। तो वो जो कॉर्पोरेट का माहौल है वो मुझे यहाँ पर एक छोटी सी जगह अजमेर में आने के बाद मिला, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, ये लोग इस तरह का विजन लेके चल रहे हैं तो मैं भी अपना विजन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यूपी से मैं आता हूं तो मैं पूरा यूपी बैकलेस का पूरा यूपी का जिम्मेदारी मैंने ली है, बैकलेस को यूपी में बढ़ाने की जिम्मेदारी मैंने ली है और पूरे यूपी में बैकलेस का डेवलपमेंट हम करेंगे। एक तो मेमोरी से रिलेटेड आ गया ये वाला, कुछ और भी बैकलेस लाएगा, तो वो सारी चीजें मतलब मुझे यूपी में करनी है। तो ये मेरा मतलब कंपनी के से और मेरा विजन है कंपनी को देखते हुए। इसी के साथ, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और थैंक्स बोलता हूँ बैकलेस टीम को और जितने भी सपोर्टिंग यहाँ पर थे हर तरीके से, बूफे में नवीन जी और नरेंद्र जी और मोनिका मैम और प्रीति मैम, मोनिका जी प्रीति मैम सबके लिए धन्यवाद। और जो मेरे साथी हैं बेसिकली जो यहाँ पर आए हैं अभी मेरे साथ, तो उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक हो गया है सबसे। अजय शर्मा जी हैं शामली से, मैडम हैं दिल्ली से और कुछ राजस्थान से हैं, तो सब मेरे फ्रेंड बन गए हैं, सबके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।